हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग यूनिट। हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाली पार्ट में हमने जाने कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। हमने मीनिंग जाना मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम का, और उन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं उसके बारे में हमने बात करी थी इससे पहले वाले पार्ट में। इससे पहले वाले पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो पहले आप उनको जाके देखें, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो अब बात करते हैं इस वीडियो में क्या कवर करने वाले। सबसे पहला टॉपिक हमारा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अभी तक हमने काफी सारी चीजें जानी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के बारे में। अब ये जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हुई है, जो सब कुछ हम कंप्यूटर पर करना शुरू किया है हमने, वो सब किसके बाद किया है? अकाउंटिंग के बाद। ठीक है, पहले तो हम अकाउंटिंग करते थे, पेपर्स में करते थे, तो वो हमारी मैनुअल अकाउंटिंग होती थी। लेकिन अब ये मैनुअल अकाउंटिंग भी हम एक तरफ कर दें, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी एक तरफ कर दें, तो ये अकाउंटिंग होती क्या है वो हम यहाँ पर जानने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, मैनुअल अकाउंटिंग आपसे बाद में पूछी जाएगी। सबसे पहले आपसे यही पूछेंगे कि अकाउंटिंग होती क्या है। तो जल्दी से पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दो, पढ़ना और समझना शुरू करते हैं अकाउंटिंग के बारे में। यहाँ पर दो डेफिनेशन लिखी है, आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन एग्जाम में लिख सकते हैं। तो समझते हैं पहली वाली डेफिनेशन को। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। अकाउंटिंग ऐसी आर्ट है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं एक सिग्निफिकेंट मैनर में एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन। जो भी इवेंट हुए हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, कोई चीज हमने परचेज करी, कोई चीज हमने सेल करी है, तो उसको हम मॉनेटरी वे में लिखते हैं। आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, मतलब जो भी हम चीज रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, वो फाइनेंशियल कैरेक्टर में होनी चाहिए। ठीक है, मॉनेटरी वे में वो हो एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और जो भी रिजल्ट हमारे निकल के आते हैं वो हम शो करते हैं। हमने पहले भी जाना था कि दूसरी पार्टीज को हम वो शो करते हैं, हम खुद उस रिपोर्ट को देखते हैं क्या हमारी फाइनेंशियल पूरी पोजिशन है हमारे बिजनेस की। तो बहुत सारी चीजें हम देखते हैं उन रिपोर्ट्स में और बहुत सारे डिसीजन भी लेते हैं उन रिपोर्ट्स के बेसिस पर। ठीक है, बात करते हैं नंबर टू डेफिनेशन की। अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। वही चीज है कि जो अकाउंटिंग है वो एक साइंस भी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ठीक है, उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, जो भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन होती है, जो भी इवेंट्स होते हैं, प्राइमरीली ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट समरीज। और आर्ट यानी कि उसको समराइज करना, उसकी समरीज बनाना, वो एक आर्ट हो गई। साइंस क्यों हुई? क्योंकि हमने वहां पे रूल्स अप्लाई करे हैं, जो यूनिवर्सल रूल्स हैं, उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए हमने वो रिकॉर्डिंग करी, क्लासिफाई करा है। ठीक है, और आर्ट इसलिए हुई क्योंकि हमने उसको समराइज भी किया है। Analysis and interpretation of those transactions and events and communicating the result to person who must take decisions or form judgment. तो हम भी उन reports को देखते हैं, अपने बहुत से decisions हम लेते हैं future को लेकर कि हमने ये गलती पीछे करी थी, past में करी थी, और future में उसको सुधार करते हैं। Bank को हम वो अपनी जो भी हमारी financial position होती है वो दिखाते हैं, जिससे कि bank हमें loan दे सके। तो पहले वाले parts में हमने accounting information system के बारे में जाना, वो सारे users के बारे में जाना जिनको हम वो सारे ट्रांजेक्शन प्रेजेंट करते हैं और वो डिसीजन लेते हैं, क्या उनको डिसीजन आगे लेना है हमारे बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, तो ये थी दो डेफिनेशन अकाउंटिंग की, जिनको आप बिल्कुल बेफिक्र होकर एग्जाम में लिख सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि अकाउंटिंग क्या होती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ फीचर्स हम यहाँ जानेंगे या फिर कह सकते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम जानेंगे अकाउंटिंग के। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अकाउंटिंग को डिस्क्राइब करो या फिर डिफाइन अकाउंटिंग एंड डिफाइन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो। तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होकर आ सकता है। फीचर्स में आप क्या लिखेंगे? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग ऐसी आर्ट है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, किसको? बिजनेस की होने वाली सारी ट्रांजेक्शन को, राइट? नंबर टू है, दीज ट्रांजेक्शन आर होली और पार्टली फाइनेंशियल इन नेचर एंड आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये जो हमारी ट्रांजेक्शन होती है, या तो ये पूरी ही फाइनेंशियल नेचर की होंगी या फिर उसमें से कुछ पार्ट ऐसा होगा जो फाइनेंशियल नेचर का है और हम उसको मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। हमने इतने की कोई चीज परचेज करी है तो वो हम वहां पे दिखाएंगे कि इतना रुपया हमने परचेज किया है, वहां पे हम पूरा वो लिखेंगे कितना अमाउंट था, और हम एक शॉर्ट में लिख सकते हैं कि थिंग परचेज फ्रॉम वाई या फिर वाई थिंग परचेज फ्रॉम एक्स। तो जो भी हमने चीज खरीदी है उसका नाम और जिससे हमने वो चीज खरीदी है उसका नाम हम वहां पर लिख देंगे, राइट? नेक्स्ट है, समरी ऑफ अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड इन अकाउंटिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अकाउंट्स की समरी वहां पर प्रिपेयर करी जाती है अकाउंटिंग के अंदर। जो भी हमने चीज खरीदी है उसकी पूरी कहानी लिखना तो पॉसिबल नहीं है, अगर हम ऐसा करेंगे तो एक ही ट्रांजेक्शन में बहुत सारा समय लग जाएगा हमारा। तो हम उसकी एक समरी लिख देते हैं, जो चीज हमने खरीदी है और जिससे हमने खरीदी है, जितने अमाउंट में खरीदी है, वो मेन चीज हम वहां पर लिख देंगे, और ये हमारी समरी होती है किसी भी बहुत लंबी सी चीज को एक शॉर्ट में लिख देना। ठीक है, तो समरी भी अकाउंट्स की प्रिपेयर करी जाती है अकाउंटिंग के अंदर। These records are analyzed and interpreted for decision making. इन records को analyze करा जाता है और interpret किया जाता है decision making के लिए। जैसे कि हमने पहले भी जाना था accounting information system में कि हम users को present करते हैं वो सारा data और हम भी उन सब चीजों को देखते हैं, हमारी financial position कैसी है उन सब चीजों को देखने के लिए, और जो users होते हैं वो भी बहुत से decisions लेते हैं उस पूरे data के basis पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The result prepared by accounting are made available to those who take decisions related to business on its basis. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी result आते हैं उस accounting के, वो हम किसको देते हैं? जो बाकी के users होते हैं, वो users कौन से होते हैं? वो हमने separate videos की बनाई है, उसमें हमने बहुत अच्छे से discuss किया था। I hope आपने वो सारी videos देखी होंगी। ठीक है, तो वो सारे लोग या फिर कहें तो वो सारे users उन results के basis पर decisions लेते हैं हमारे business के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, अकाउंटिंग इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। हमने जाना कि जो अकाउंटिंग है वो आर्ट भी है और साइंस भी है।
दिस इज आर्ट बिकॉज इट इन्वॉल्व राइटिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. ये आर्ट क्यों है? क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होती है क्या क्या, लिखना, क्लासिफाई करना, समराइज करना उन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को. इट इज अ साइंस बिकॉज द अकाउंट्स इन इट आर डन अकॉर्डिंग टू सर्टेन प्रिंसिपल्स. और ये साइंस इसलिए है क्योंकि जो भी हम इसमें अकाउंटिंग करते हैं उसमें हम बहुत से प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं, बहुत से रूल्स हम फॉलो करते हुए चलते हैं, इसलिए अकाउंटिंग को हम साइंस भी कह सकते हैं. काफी ज्यादा मेन फीचर इसका यही है कि अकाउंटिंग साइंस भी है और आर्ट भी है. ये क्वेश्चन आपसे सेपरेटली पूछ सकते हैं कि अकाउंटिंग इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस, एक्सप्लेन. आपको आंसर में पूरी स्टेटमेंट लिख के बताना पड़ेगा कि ये आर्ट क्यों है और ये साइंस क्यों है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्या क्या रोल्स होते हैं अकाउंटिंग के बिजनेस के अंदर. ठीक है, नंबर वन है सप्लीमेंटेशन ऑफ मेमोरी. हमें वो सब चीजें याद रहें इसलिए हम अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस के अंदर. बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है, डेली बेसिस पर ट्रांजेक्शन होती है, तो उन सारी ट्रांजेक्शन को हम तो याद नहीं कर सकते. ठीक है, हमारे ब्रेन में वो सारी चीजें कितने समय तक रहेंगी, कुछ समय के लिए रहेंगी, एक दिन रहेंगी, दो दिन रहेंगी, फिर वो हमारे दिमाग से निकल जाएंगी. तो उन सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस के अंदर. थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं. अकाउंटिंग इज अ सप्लीमेंट ऑफ मेमोरी पावर. टुडे एवरी बिजनेस हैज मेनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एवरी डे व्हिच इज नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर. जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बिजनेस के अंदर डे टू डे बेसिस पर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनको याद रखना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है. अकाउंटिंग मेक्स इट इजियर टू रिमेंबर दीज ट्रांजेक्शन. अकाउंटिंग उस चीज को काफी ज्यादा आसान बना देती है क्योंकि हम जितनी भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो सब रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं और वो एक पूरा डाटा हमारे पास होता है हमारे कंप्यूटर्स में. ठीक है, नेक्स्ट है हेल्पफुल इन टैक्स असेसमेंट. अब हम एक बिजनेसमैन है अगर, ठीक है, कोई बिजनेस अगर चला रहा है तो वो काफी तरह के टैक्स देगा. ठीक है, टैक्स पे करता है तो उसमें भी उसकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है उस अकाउंटिंग की मदद से. द बिजनेसमैन हैव टू पे जीएसटी एंड इनकम टैक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. एक बिजनेसमैन को जीएसटी भी पे करनी है, इनकम टैक्स भी पे करना है बिल्कुल समय समय पर. ठीक है, अकाउंटिंग नॉट हेल्प्स इन असेसमेंट बट ऑल्सो फैसिलिटेट करेक्ट असेसमेंट. तो अकाउंटिंग बिल्कुल सही असेसमेंट करने में हेल्प करती है उस बिजनेसमैन की क्योंकि हमने सब ट्रांजेक्शन अच्छे से रिकॉर्ड करी है, क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, उन सब चीजों के बेसिस पर हम जीएसटी पे करेंगे और अपना इनकम टैक्स भी पे करेंगे. ठीक, नंबर थर्ड है नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. हमें अपने बिजनेस का क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, पूरी फाइनेंशियल पोजिशन का पता चलता है अकाउंटिंग की हेल्प से. ठीक है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेसमैन इज टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर अ सर्टेन पीरियड. अगर आपका भी कोई बिजनेस चल रहा होगा तो आप भी ये जानना चाहेंगे कि जो आपका बिजनेस है वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है या फिर लॉस में है. ठीक है, तो जब प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा तो अच्छी बात है, अगर लॉस अगर उसको हो रहे होंगे, आपके बिजनेस में लॉसेज आपको हो रहे होंगे, तो आप ये देखेंगे कि लॉसेज क्यों हो रहे हैं. ठीक है, आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं वो भी आपको उस अकाउंटिंग की मदद से ही पता चलेगा. अकाउंटिंग फुलफिल दिस डिजायर ऑफ द बिजनेसमैन बिकॉज विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग द बिजनेसमैन कैन इजीली असेस द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो उस फाइनेंशियल कंडीशन को आप तभी देख पाएंगे जब आपने अकाउंटिंग करी होगी डेली बेसिस पर. उस फाइनेंशियल कंडीशन को देख के आपको पता चलेगा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. प्रॉफिट होगा तो अच्छी बात है, लॉस होगा तो आप उसको ठीक करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन. वही सिमिलर पॉइंट है कि आपको अपने बिजनेस की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अकाउंटिंग की हेल्प से. इट इज नेसेसरी फॉर द बिजनेसमैन टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन रिलेटेड टू द बिजनेस फ्रॉम टाइम टू टाइम इन ऑर्डर टू नो मच अमाउंट ही हैज टू पे. कितना अमाउंट वो पे कर रहा है, कितना अमाउंट उसके पास आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है. ठीक है, कहाँ कहाँ वो पे कर रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास रहेगी अकाउंटिंग की हेल्प से ही. हाउ मच अमाउंट इज टू बी टेकन फ्रॉम अदर बिजनेसमैन, कितना अमाउंट उसको दूसरे बिजनेसमैन से लेना है, कितना अमाउंट वो दे रहा है. His fixed and movable assets, जितने भी assets आपके पास होंगे चाहे वो fixed हो चाहे movable हो, तो उसकी पूरी जानकारी आपको accounting की help से मिलने वाली है. What is the status of the liabilities, कितने लोगों ने आपसे उधार लिया है, वो सब आपको accounting की मदद से पता चलेगा. नहीं, आपने तो किसी से उधार नहीं लिया, तो ये सब चीजें आपको पता चलेंगी accounting की help से. All this information is easily obtained from the financial statement. तो ये पूरी information आपको बहुत easily मिल सकती है through the financial statement, right? नेक्स्ट है फुल कंट्रोल ओवर द एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज पर भी आप पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं. कैसे? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैप्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स कैन इजीली डिटेक्ट द एरर्स, फ्रॉड्स, एम्बेजलमेंट एंड फॉर्जरी कमिटेड बाय द एम्प्लॉयज. अब जो एम्प्लॉयज की गलती हो रही होगी ना, वो सब चीजें भी रिकॉर्ड होती है. कैसे? कोई चीज कितने रुपए में हमने परचेज करी, कितने रुपए में हमने वो चीज बेच दी, तो वो पूरा डाटा हमारे पास होगा. हम वहां पे देख सकते हैं कि एम्प्लॉयज की वजह से क्या गलती हो रही है, क्या फ्रॉड हो रहा है, कोई एरर तो ऐसी नहीं, कोई फॉर्जरी ऐसी कुछ तो नहीं हो रही. ठीक है, तो वो सब चीजें बहुत इजीली आप डिटेक्ट कर सकते हैं अकाउंटिंग की हेल्प से. दस विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इफेक्टिव कंट्रोल कैन बी एस्टैब्लिश्ड ओवर द एम्प्लॉयज. तो जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड आपके पास होगा उससे आप एक इफेक्टिव कंट्रोल कर सकते हैं एम्प्लॉयज पर. ठीक है, तो इस तरह से अकाउंटिंग का रोल रहता है एक बिजनेस के अंदर. ये थे कुछ रोल जो कि अकाउंटिंग प्ले करती है एक बिजनेस के अंदर. हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जाने अकाउंटिंग के और हमने जाना अकाउंटिंग का मीनिंग. तो इस वीडियो में इतना ही. इससे पहले वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो उनको जाके देखें. इसी तरह से आने वाली वीडियोस में आगे के टॉपिक्स हम कवर करेंगे. आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.